नमस्कार, मैं हूँ निशा और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ऐसी महिला के बारे में जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे। जी हाँ, वो है माता रमाबाई। माता रमाबाई का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम भिक्षु धोत्रे व माता का नाम रुक्मणी था। वह अपने परिवार के साथ दाभोल बस्ती में रहती थी। उनकी दो बहनें व एक भाई शंकर भी था। उनके पिता दाभोल बंदर में मछली की टोकरी को बाजार में पहुंचाने का काम करते थे। उनके पिता की छाती में हमेशा दर्द रहता था। माता रमाबाई के बचपन में ही उनकी मां बीमारी के चलते उनका निधन हो गया, जिसका माता रमाबाई के मन में बहुत गहरा असर पड़ा। कुछ दिनों बाद ही उनके पिता का भी निधन हो गया। उस टाइम माता रमाबाई भी छोटी थी। वह अपने बहन भाई के साथ अपने मामा और चाचा के पास मुंबई में आ गई और वहीं आके रहने लगी। सूबेदार रामजी अंबेडकर अपने पुत्र भीमराव अंबेडकर के लिए वधु की तलाश कर रहे थे। वहीं उनको माता रमाबाई के बारे में पता चला तो वह उन्हें देखने के लिए चले गए और माता रमाबाई भी उनको पसंद आ गई और उन्होंने माता रमाबाई और भीमराव अंबेडकर की शादी करने का फैसला किया। बहुत ही जल्द माता रमाबाई का विवाह भीमराव अंबेडकर के साथ करने के लिए तारीख भी सुनिश्चित कर ली गई और अप्रैल 1906 में उन दोनों का विवाह भी हो गया। विवाह के समय माता रमाबाई मात्र 9 वर्ष की थी और भीमराव अम्बेडकर 13 वर्ष के थे। भीमराव अम्बेडकर उस समय अंग्रेजी की 5वीं कक्षा में पढ़ रहे थे। माता रमाबाई अपने पुत्र यशवंत की बीमारी को लेके चिंतित रहती थी, लेकिन उन्होंने बाबा साहब की पढ़ाई में विघ्न नहीं आने दिया और उनको कुछ भी नहीं बताया। वह सब कुछ अपने आप ही झेलती थी। माता रमाबाई अपने पुत्र यशवंत की बीमारी के कारण बहुत ही परेशान रहने लगी थी। साथ ही वह इस बात का भी ख्याल रखती थी कि बाबा साहब की पढ़ाई और उनके कामों में कोई भी रुकावट ना आए। माता रमाबाई अपने पति के प्रयत्न के साथ रहकर वह पढ़ना लिखना भी सीख गई थी। साधारण महापुरुष के जीवन में ये बहुत ही सुख की बात होती है कि उनका जीवन साथी बहुत ही अच्छा मिले। उन्हीं महापुरुषों में से एक बाबा साहब भी बहुत भाग्यशाली थे, जिन्हें माता रमाबाई जैसी नेक और आज्ञाकारी जीवन साथी मिली थी। बाबा साहब को महापुरुष बनाने में माता रमाबाई ने उनका पूरा साथ दिया। माता रमाबाई की बीमारी के कारण बाबा साहब अंदर से ही उदास रहने लगे थे। बाबा साहब के 3 पुत्र और 1 पुत्री पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी। अब माता रमाबाई भी बीमार रहने लगी थी और मई 1935 में माता रमाबाई भी बाबा साहब को महापुरुष बनाने में माता रमाबाई ने उनका हमेशा साथ दिया है। माता रमाबाई अब बीमार रहने लगी थी, जिसकी वजह से बाबा साहब के मन में बहुत ही उदास रहने लगे थे। वे बाबा साहब के 3 पुत्र 1 पुत्री पहले ही देहांत हो चुके। मई 1935 में माता रमाबाई का परिनिर्माण हो गया था। माता रमाबाई के परिणाम 10,000 से अधिक लोग आए थे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।